बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 9 व 10 में वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करेंगे और आज हम कक्षा 9 व 10 में विज्ञान व सामाजिक विज्ञान गणित सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। आज हम कक्षा 9 में विज्ञान में पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ भाग 2 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 9 में हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों भाग 2 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 10 में आज हम पढ़ेंगे गणित में बहुपद भाग 3, त्रिघात बहुपद के शून्यांक व गुणकों की तुलना जानेंगे और बहुपद भाग 4 का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो इसके बाद कक्षा 10 में आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आज हम नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन भाग 1 और खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने और समझने के बाद हम उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल भी करते हैं। तो आप अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं, जिससे आपको पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं, आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं और चिट्टी आज फिर आपके सामने हाजिर हैं। आशा करती हूँ पिछले वीडियो के सभी विषय आपको अच्छे से याद होंगे। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद तो कोई बात नहीं, चिट्टी के होते घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए संक्षेप में देखते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले देखे हमने आसपास के पदार्थ और फिर देखी पदार्थ के कणों की विशेषताएं। साथ ही हमने जाना पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, जो है ठोस, द्रव्य और गैसीय। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के विषय देखते हैं। आज का पहला विषय होगा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, और फिर वाष्पीकरण। चलिए शुरू करते हैं। बर्फ के गोले तो सभी ने खाए होंगे, ठंडे ठंडे से बहुत मजा आता है गर्मियों में इनका, लेकिन अगर समय रहते फटाफट ना खाया जाए तो पीना पड़ जाता है, क्योंकि बर्फ पिघल गई है। यानी हमारा गोला ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदल गया है, मतलब कि पदार्थ अपनी अवस्था में अदला बदली कर सकता है। पर ऐसा होता क्यों है और हुआ कैसे? देखिए, हमारा बर्फ का गोला बना बर्फ से और बर्फ बनी पानी से। कैसे? पानी अगर ठंडा करते जाओ तो वो एक तापमान के बाद बर्फ बन जाता है, और जब हमारा बर्फ का गोला बाहर गर्मी में आया तो पिघल कर फिर पानी बन गया।
और उसी पानी को यदि गर्म कर दिया जाए तो वह भाप बनकर उड़ जाता है। यानी तापमान बढ़ाने से ही ठोस अवस्था द्रव्य में बदली और अब द्रव्य से गैसीय अवस्था में, यानी तापमान के प्रभाव से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आप सबको पिछली वीडियो से याद होगा कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान के बढ़ने से ये ऊर्जा भी बढ़ती है, जिससे पदार्थ के कण ज्यादा गतिशील हो जाते हैं। और आपको यह भी याद होगा कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल भी लगता था। तो हम जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, ये गतिज ऊर्जा कणों को और ज्यादा गतिशील करती है और एक तापमान के बाद कणों की गति उनके आकर्षण बल से ज्यादा हो जाती है और वो अपना स्थान छोड़कर ज्यादा स्वतंत्रता से गति करने लगते हैं। इसी प्रक्रिया में एक अवस्था ऐसी होगी जब ठोस कण इतने गतिशील हो जाएंगे कि वो पिघलकर द्रव्य बन जाएंगे और ये जिस तापमान पर हुआ उसे हम गलनांक कहेंगे। इसी प्रकार अगर तापमान बढ़ाते जाओ तो द्रव्य गैसीय अवस्था में भी परिवर्तित हो जाती है, जहाँ पदार्थ के कण बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं एक दूसरे से। इस पिघलने और उबलने और धुआं हो जाने की प्रक्रिया में एक खास चीज होती है। आप सबने ये देखा होगा मगर ध्यान शायद ही किसी ने दिया हो, अगर आप बर्फ को एक गर्म पतीले में डाल दें तो वो तुरंत पिघल जाएगी और थोड़ी देर बाद वो पानी उबलने लग जाएगा, लेकिन ये उबाल पूरी बर्फ पिघलने के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जितना पानी पिघल गया उतना तो उबलने लगा और बाकी की बर्फ अभी भी पिघल रही है। और तो और, जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलती तब तक तापमान भी नहीं बदलता पानी का। अब चाहे आप इसे कितनी भी ऊष्मा दे दो, पतीले की बर्फ पहले पिघलेगी और उबाल उसके बाद ही आएगा। तो जितनी ऊष्मा पतीले को मिली है वो सारी बर्फ को पिघलने में लग जाती है। इस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जितनी ऊष्मा गलनांक में किसी ठोस को पूरा द्रव्य होने में लगी है उसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इसी तरह पानी को भाप बनकर गैसीय अवस्था में जाने के लिए भी गुप्त ऊष्मा लगती है, जिसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो सिर्फ तापमान बदलने से ही अवस्था नहीं बदल रही, और भी बहुत कुछ हो रहा है इन पदार्थ के कणों के बीच। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है किसी पदार्थ के कणों में। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा किस प्रकार एक छोटे से सिलेंडर से इतने सारे गुब्बारे भर दिए, और वो संभव कैसे हुआ? गैसीय पदार्थ की संपीड्यता के कारण। अब एक बात बताइए, गैस सिलेंडर तो सभी के घर में उपयोग होता होगा, उसका आकार चाहे जितना भी छोटा हो उसे प्रयोग करके आप बहुत दिनों तक भोजन बना पाते हैं। ऐसा क्यों? इसका भी कारण है संपीड्यता। जैसे कण एक दूसरे से दूर होकर द्रव्य से गैसीय अवस्था में आ गए, उसी प्रकार कणों को यदि पास लाया जाए तो गैसीय से द्रव्य बनाया जा सकता है। और फिर भर लीजिए गैस के सिलेंडर में, आप दाब लगाते जाइए गैसीय पदार्थ पर, कण पास आते जाएंगे और दाब की एक सीमा के बाद वह द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे और इस प्रकार आप अधिक मात्रा में गैस का संग्रहण कर पाएंगे। यानी तापमान के साथ साथ दाब बढ़ाने से भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ऊष्मा या दाब ही नहीं है जिससे किसी पदार्थ की अवस्था बदली जा सके, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। चलिए बताती हूँ कैसे। अब सभी ने अपने घर में गीले कपड़े सूखते हुए तो देखे ही होंगे। कभी सोचा है ये गीले कपड़ों का पानी जाता कहाँ है? कपड़े की सतह पर जो पानी के कण हैं, उन पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है उन कणों में आती है गतिज ऊर्जा और वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और हवा में मिल जाते हैं। यानी कण कण करके जल वाष्प बन जाता है। और यदि आपकी पुस्तक के अनुसार कहा जाए तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो कपड़े सूखने की वजह वाष्पीकरण है। अब हम कपड़े सुखाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उन्हें फैलाते हैं। अब कोने गोलमोल करके रख देंगे तो भी सूख जाएंगे, लेकिन फैला कर रखेंगे तो जल्दी सूखेंगे। यानी वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है
और आप जितना सतह का क्षेत्र बढ़ाएंगे वाष्पीकरण की दर उतनी बढ़ जाएगी और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन कपड़े फैलाने के लिए हम धूप भी ढूंढते हैं, क्योंकि धूप कपड़ों के तापमान को बढ़ा देती है और तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कणों का आकर्षण बल कमजोर होता है और जलवाष्प जल्दी बनते हैं। यानी वाष्पीकरण तापमान पर भी निर्भर करता है। मगर इन कपड़ों को सुखाने में सबसे ज्यादा दुविधा आती है बारिश के दिनों में। दरअसल होता यह है कि हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प हो सकता है। इस जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं, और क्योंकि बारिश में आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है, इसलिए गीले कपड़ों से जलवाष्प हवा में जल्दी नहीं जा पाता और कपड़ों को सूखने में समय लग जाता है। लेकिन बारिश हो रही है इसका मतलब ये थोड़ी है कि कपड़े सूखेंगे ही नहीं। कपड़े तो हमें तब भी सुखाने होते हैं। ऐसे समय में हम पंखे के नीचे सुखाते हैं कपड़ों को, क्योंकि तेज हवा से जलवाष्प के कण हवा में जल्दी उड़ जाते हैं और जलवाष्प की मात्रा में कमी आ जाती है और नए कणों को जलवाष्प में परिवर्तित होने में दुविधा भी कम होती है। आपने सुना होगा कि गर्मियों में हमेशा सूती कपड़े पहनने चाहिए, मगर हम कई बार सुनते नहीं है। सही बात है, बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे मान ले, है ना? तो चलिए चिट्टी और मैं आपको इसका सबूत देते हैं। गर्मियों में हम कोई भी शारीरिक क्रिया करें तो हमें पसीना आने लगता है और फिर थोड़े समय बाद हमें ठंडक महसूस होने लगती है। असल में होता यह है कि हमारे शरीर की सतह पर मौजूद होते हैं पानी के कण, जो हमारे आसपास से या फिर शरीर से ही ऊष्मा लेकर जल वाष्प बन जाते हैं, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर की ऊष्मा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है और सूती कपड़ों में जल का अवशोषण करने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब गर्मियों की बात चल ही रही है तो मेरे मन में एक और प्रश्न आया। आप सभी ने देखा होगा कि जब आप गर्मियों में एक ग्लास पर ठंडा पानी रखते हैं तो थोड़े समय के बाद उस ग्लास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें नजर आने लगती है, क्योंकि पानी की वजह से ग्लास की बाहरी सतह भी ठंडी होती है। अब हवा में जो पानी के कण सतह के सबसे पास है उनका तापमान भी गिरने लगता है, और जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि तापमान कम होने पर पदार्थ गैस से द्रव्य हो जाते हैं, उसी तरह ठंडे ग्लास की सतह बिल्कुल पास वाले कण पास आकर द्रव्य अवस्था में आ जाते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि द्रव्य से गैसीय या गैसीय से द्रव्य करने में बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान का बदलाव या ऊष्मा का लेन देन आवश्यक हो। रोज के वातावरण में जितनी ऊष्मा या तापमान है उसमें भी अवस्था बदली जा सकती। तो चलिए आज के विज्ञान के इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं और एक बार फटाफट देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं में अदला बदली कर सकता है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैसीय या फिर इनकी उल्टी प्रक्रिया। इन अवस्था के बदलाव में तापमान और दाब की बहुत बड़ी भूमिका है। फिर हमने वाष्पीकरण को देखा कि द्रव्य से गैसीय में बदलाव बिना हमारी जानकारी के होता रहता है, और वाष्पीकरण में सतही क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति की अहम भूमिका होती है। इन सबके साथ गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए और ठंडे ग्लास में ओस बनने की वजह भी देखी। आशा करती हूँ वीडियो के जरिए आपको पाठ काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए चित्ती और मैं आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोकतंत्र क्या और क्यों अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने लोकतंत्र के अर्थ को जानते हुए उसकी परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की थी, साथ ही लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को भी हमने जाना। आज की इस वीडियो में हम लोकतंत्र ही क्यों, इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। बच्चों, लोकतंत्र के लिए विभिन्न देशों में या फिर भारत में भी लगातार बहस होती रही। कुछ लोग लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क देते हैं तो कुछ लोग
लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देते हैं। हम इन दोनों तर्कों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही लोकतंत्र के एक व्यापक अर्थ के बारे में भी आज अध्ययन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले अध्याय और इस अध्याय के पहले भाग में जाना कि शासन के अनेक रूप हैं, जैसे सैनिक शासन, तानाशाही शासन, राजशाही शासन, कम्युनिस्ट शासन और लोकतांत्रिक शासन। हम लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि इन सभी शासनों में लोकतांत्रिक शासन ही सबसे अच्छा है। आज दुनिया में लोकतांत्रिक शासन अपनाने की होड़ मची हुई है। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन क्यों है? इस प्रश्न को समझने के लिए हमें लोकतंत्र के गुण और दोष अर्थात इसके पक्ष और विपक्ष में उत्पन्न तर्कों को समझना होगा। तो सबसे पहले लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क को देखते हैं। जब हम लोग लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन की चर्चा करते हैं तब लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क सामने आते हैं। लोकतंत्र के विरोधी ये तर्क देते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में अनपढ़ों की संख्या अधिक है और यहाँ पर गैर जिम्मेदार लोग ज़्यादा हैं। इनके वोटों को महत्व देने से शासन की गुणवत्ता कम हो जाती है। लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई और सत्ता का खेल चलता रहता है। इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं रह जाती और इसके अंतर्गत सिर्फ सत्ता हथियाने का प्रयास किया जाता है। इससे लोगों के साथ साथ देश को भी काफ़ी क्षति पहुंचती है। लोकतंत्र में फैसला लेने की प्रक्रिया कठिन होती है। फैसला लेने से पहले काफ़ी वाद विवाद, बहस और चर्चाएं होती हैं, जिससे किसी भी निर्णय पर पहुंचने में दिक्कत होती है। लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क यह भी है कि यह बहुत खर्चीला शासन है, क्योंकि इसमें जो चुनाव होते हैं उनमें खूब सारा पैसा उड़ाया जाता है, काफ़ी खर्च किया जाता है। एक अन्य आरोप यह भी है कि लोकतंत्र भ्रष्ट नेताओं के हाथों का खिलौना बन जाता है। लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनकी सहानुभूति बटोरकर सत्ता प्राप्त कर ली जाती है। यह हमारे सामने लोकतंत्र के खिलाफ अनेक तर्क आए हैं। हम यह भी समझ सकते हैं कि अभी तक लोकतंत्र ने समस्याओं को समाप्त करने के लिए कोई तौर तरीका विकसित नहीं किया। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है। फैसला लेने में देरी के साथ साथ गलतियां भी होती हैं, लेकिन सभी फैसले गलत नहीं होते। इन बातों से लगता है कि लोकतंत्र एक आदर्श शासन नहीं है। फिर भी हमारे सामने जितने भी शासन हैं उन सभी में लोकतंत्र ही एक बेहतर शासन प्रतीत होता है। चलिए जानते हैं लोकतंत्र बेहतर क्यों है, अर्थात इसके पक्ष में कुछ तर्कों को देखते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में हम लोग दो बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला यह है, लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर क्यों है। दूसरा, लोकतंत्र में कौन कौन से गुण हैं। इन सवालों का हल एक उदाहरण से करेंगे। चीन, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, 1958 से 1961 के दौरान यहां पर भयंकर अकाल पड़ गया। यह अकाल विश्व इतिहास का अब तक सबसे भयानक अकाल था। इसमें करोड़ों लोग भूख से मर गए। ठीक ऐसी ही स्थिति बिहार में भी देखने को मिली। वर्ष 2008 के अगस्त सितंबर महीने में उत्तरी बिहार में बाढ़ आ गई, जिसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान हो गया, लाखों लोग तबाह हो गए। अब यहाँ पर लोकतंत्र की दो स्थितियाँ देखने को मिली। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण बिहार की प्रलय से जल्द ही निजात पा लिया गया, जबकि चीन में अकाल से निजात पाने में काफ़ी समय लग गया। इसका मुख्य कारण यह भी है कि लोकतांत्रिक देशों में एक मजबूत विपक्षी दल होता है और सरकार की आलोचना कर सकने वाला स्वतंत्र मीडिया भी होता है। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बनाने वाली विशेषताओं में से एक है।
क्योंकि लोकतंत्र में सरकार लोगों की जरूरतों के अनुसार आचरण करती है। यह सब सरकार चलाने वालों पर निर्भर करता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का पहला गुण यह है कि लोकतंत्र में शासन अधिक जवाबदेही वाला होता है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्व परिचित होते हैं, अतः वे लोगों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक बहस होती है, सार्वजनिक रूप से चर्चाएं भी होती हैं। यदि सरकार जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेती है तो सार्वजनिक चर्चाएं और बहस के द्वारा उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया जाता है, जिससे सरकार के पास इस तरह के फैसलों में सुधार का विकल्प रहता है। इसका एक उदाहरण है कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू कर दिया था, जो लोगों के विचार में गलत फैसला था। इस फैसले के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को 1977 ईस्वी के चुनाव में लोगों ने मतदान नहीं किया और श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से हटना पड़ा। अतः लोकतंत्र में सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका रहता है। चुनाव के दौरान आम दिनों में नेताओं का भाषण होते रहता है। इस तरह के भाषणों में नेता लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों के सामने रखते हैं, जिससे लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि सरकार का कोई फैसला लोगों के हित में नहीं होता तो लोग उसका विरोध करते हैं। इससे पता चलता है कि लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग हैं। तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र में जनता अपने खिलाफ बने नियमों का विरोध कर सकती है। इन्हीं सब चर्चाओं के आधार पर समझा जा सकता है कि लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं, अपितु लोकतंत्र राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार है। आइए लोकतंत्र के व्यापक अर्थ के बारे में जानते हैं। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र के बुनियादी बातों की चर्चा की। हमने यह भी देखा कि एक शासन के रूप में लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर है। अब समझना यह है कि लोकतंत्र तो अनेक देशों में है। इन देशों के लोकतंत्र में सामान्य लोकतंत्र और एक बेहतर लोकतंत्र कौन है? क्या सरकार की परिधि से बाहर भी लोकतंत्र है? इन सवालों को समझने के लिए हमें लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को समझना होगा। प्रफुल्ल की बड़ी बहन रीति, जिसकी शादी तय हो गई है, घर में सभी लोग खुश हैं, रात में घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर यह फैसला लेते हैं कि शादी में कौन कौन सी और कैसी व्यवस्था करनी है। सभी लोगों को अपना अपना विचार रखने का मौका मिलता है। सभी के विचार सुनने के बाद आपसी सहमति से फैसले लिए जाते हैं कि शादी बेहतर ढंग से किस तरह हो सकती है। एक दूसरा उदाहरण है कि गांव में दशहरे की पूजा होनी है और दुर्गा पूजा भी होनी है। इसके लिए गांव के सभी सदस्य एक साथ बैठकर अपने अपने विचार रखते हैं। यहाँ भी गांव के सभी सदस्यों की, सभी लोगों की बातें सुनी जाती हैं और अंत में फैसला सभी लोगों के विचार के अनुसार होता है। इन दोनों उदाहरणों से लोकतंत्र के फैसले बुनियादी तौर तरीकों को उजागर करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र केवल सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुँच संगठन, गाँव और परिवार तक भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, या ये कहें कि लोकतंत्र जीवन जीने का एक तरीका है।
नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद जिसको इंग्लिश में पॉलीनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुपद पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध। तो चलिए जानते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है, ए एक्स का घन जमा बी एक्स का वर्ग जमा सी एक्स जमा डी। ध्यान रहे, इसमें ए का मान शून्य नहीं हो सकता है। तो चलिए जानते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बारे में। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि इसके 3 शून्यक है, अल्फा बीटा तथा गामा। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो ये है हमारा त्रिघात बहुपद, ax का घन प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d। तो चलिए देखते हैं इस त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। अल्फा बीटा तथा गामा अगर इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बटे ए के, जहां पर बी जो है वो एक्स वर्ग का गुणांक है तथा ए एक्स घन का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होगा सी बटे ए के, जहां पर सी एक्स का गुणांक है तथा ए एक्स घन का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा माइनस डी बटे में ए, जहां पर डी अचर पद है तथा ए एक्स घन का गुणांक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर में 3x का घन माइनस 5x का वर्ग माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटे 3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए हल देखते हैं। दिए हुए बहुपद की ए एक्स घन प्लस बी एक्स वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर हमें ए बराबर 3, बी बराबर माइनस का 5, सी बराबर माइनस 11 तथा डी बराबर माइनस 3 प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 3 माइनस 1 तथा माइनस 1 बटे 3 इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले 3 का चेक करते हैं। इसके लिए हम p 3 का मान ज्ञात करेंगे और x की जगह पर 3 को प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 3 गुने में 3 का घन माइनस 5 गुने में 3 का वर्ग माइनस 11 गुने में 3 माइनस का 3, जो आएगा 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। इसको आगे हल करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी 3 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। चलिए अगला चेक करते हैं, माइनस 1। अब हम x को माइनस 1 से प्रतिस्थापित करें। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 3 गुने में माइनस 1 का घन माइनस 5 गुने में माइनस 1 का वर्ग माइनस 11 गुने में माइनस 1 माइनस का 3। आगे इसको हल करने पर प्राप्त होगा माइनस 3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3। इसको हल करने पर फिर से हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी माइनस 1 भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। चलिए तीसरा चेक करते हैं, माइनस 1 बटे 3। अब हम x की जगह पर माइनस 1 बटे 3 प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है
तीन गुने में माइनस एक बटे तीन का घन माइनस पांच गुने में माइनस एक बटे तीन का वर्ग माइनस ग्यारह गुने में माइनस एक बटे तीन माइनस का तीन। इसको हल करने पर प्राप्त होगा माइनस एक बटे नौ माइनस पांच बटे नौ प्लस ग्यारह बटे तीन माइनस का तीन। इसको आगे हल करेंगे तो फिर से हमें शून्य प्राप्त होगा। अतः 3x का घन माइनस 5x का वर्ग माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटा 3 है। इसलिए हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर माइनस 1 है तथा गामा बराबर माइनस 1 बटे 3 है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा 3 प्लस माइनस एक प्लस माइनस एक बटे तीन यानी कि दो माइनस एक बटे तीन, जिसको हल करेंगे तो हमें पांच बटे तीन प्राप्त होगा। तो शून्यकों और गुणांकों के संबंध के हिसाब से ये बराबर होना चाहिए माइनस बी बटे ए के। चलिए चेक करते हैं क्या ये माइनस बी बटे ए के बराबर है या नहीं। ए का मान है 3, बी का मान है माइनस 5, सी का मान है माइनस 11 तथा डी का मान है माइनस 3 और ये 5 बटे 3 बराबर होना चाहिए माइनस बी बटे ए के। तो यहाँ पर बी का मान है माइनस 5 तथा ए का मान है 3। अब हम बी और ए को प्रतिस्थापित करेंगे माइनस 5 और 3 से तो हमें प्राप्त होगा माइनस का माइनस 5 बटे में 3 यानी कि 5 बटे 3। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 5 बटे 3 है तथा माइनस बी बटे ए का मान भी 5 बटे 3 है। यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस बी बटे ए के बराबर है। चलिए अगला चेक करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो चलिए इसमें अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखते हैं। तीन गुने में माइनस एक प्लस माइनस एक गुने में माइनस एक बटे तीन प्लस तीन गुने में माइनस एक बटे तीन, जिसका मान आएगा माइनस तीन प्लस एक बटे तीन माइनस का एक यानी माइनस ग्यारह बटे तीन। ये किसके बराबर होना चाहिए? सी बटे ए के। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये सी बटे ए के बराबर है या नहीं। तो माइनस ग्यारह बटे तीन बराबर होना चाहिए सी बटे ए के। सी का मान है माइनस ग्यारह तथा ए का मान है तीन यानी सी बटे ए का मान हो गया माइनस ग्यारह बटे तीन। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान माइनस ग्यारह बटे तीन है तथा सी बटे ए का मान भी माइनस ग्यारह बटे तीन है यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर है सी बटे ए के। चलिए लास्ट चेक करते हैं अल्फा बीटा गामा यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वैल्यू पुट करते हैं अल्फा बीटा गामा का। तीन गुने में माइनस एक गुने में माइनस एक बटे तीन, यहाँ पर तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा तथा माइनस एक गुने में माइनस एक एक के बराबर आ गया। अब ये बराबर होना चाहिए किसके? माइनस डी बटे ए के। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। एक बराबर होना चाहिए माइनस डी बटे ए के, जहां पर d का मान है माइनस तीन तथा a का मान है तीन। अब माइनस का माइनस तीन बटे तीन को हल करेंगे तो ये बराबर आएगा एक के। तो आप फिर से देख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा का मान एक है तथा माइनस डी बटे ए का मान भी एक है यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर है माइनस डी बटे ए के। तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलीनोमियल्स कहते हैं।
दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद का पार्ट 4 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, एक बार रिकॉल करते हैं। अगर हमें द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक यानी अल्फा तथा बीटा दिया है तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? तो उसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपने कुछ किताबों में सूत्र कुछ इस प्रकार भी देखा होगा, एक्स वर्ग माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्चुअली एस बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा तथा पी बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों ही फॉर्मूला सेम है, बस हमने पहले वाले फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर एस लिखा है तथा अल्फा इंटू बीटा की जगह पर पी लिखा है। तो आप दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं जिससे हमें इस सूत्र को किस प्रकार प्रयोग करना है वो अच्छे से समझें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः -4 और 4 है। तो हल देखते हैं इसका। हमें दिया है अल्फा बराबर -4 तथा बीटा बराबर 4। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -4 + 4 जो कि शून्य के बराबर है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल ये बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा जो कि बराबर है -4 × 4 जो बराबर आएगा -16 के। अब अल्फा प्लस बीटा का मान शून्य के बराबर है तथा अल्फा इंटू बीटा का मान -16 है, तब द्विघात बहुपद एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा के मान को प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये आएगा एक्स वर्ग माइनस शून्य एक्स प्लस -16, जहाँ पर शून्य जो है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है तथा -16 जो है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो इस प्रकार हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होता है एक्स वर्ग माइनस 16। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। हल दिया है हमें शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। तब द्विघात बहुपद एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होगा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा के मान को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी ये आएगा एक्स वर्ग माइनस में -1/4x प्लस 1/4, जहां पर -1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान है तथा 1/4 अल्फा इंटू बीटा का मान है। अब हम इसको हल करेंगे तो यहां से हमें प्राप्त होगा एक्स वर्ग प्लस 1/4x प्लस 1/4। आगे हल करने पर ये प्राप्त होगा हमें 4x² + x + 1/4 यानी 1/4 ब्रैकेट में 4x² + x + 1। तो ये द्विघात बहुपद है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं इसको शून्य के बराबर रख दूं तो यहाँ पे 1/4 दूसरी तरफ जाकर के शून्य हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 4x² + x + 1 = 0। तो एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, वो है 4x² + x + 1। एक्चुअली ये दोनों ही बहुपद द्विघात बहुपद हैं जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। अगर आप 1/4 को दूसरी तरफ ले जाकर के शून्य के बराबर ना करें तभी भी आंसर सही है। अगला देखते हैं त्रिघात बहुपद।
अगर आपको एक त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा यानी शून्य दिया हुआ है तो हम त्रिघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये है इसका सूत्र जो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। x का घन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का वर्ग जमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 तथा -14 हो। हल देखते हैं। हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर -7 तथा अल्फा बीटा गामा बराबर -14। तब त्रिघात बहुपद का सूत्र हम लगाएंगे जो है x का घन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का वर्ग जमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अब तीनों मान को प्रतिस्थापित करेंगे जो प्रश्न में हमें दिया है। यह आएगा x का घन माइनस 2x का वर्ग प्लस -7x -14 जहां पर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है, -7 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान है तथा -14 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। अब इसको हल करते हैं आगे। तो ये आएगा x का घन माइनस 2x का वर्ग -7x +14। यानी ये वो त्रिघात बहुपद है जिसमें दिए हुए सारे शर्तें संतुष्ट होती हैं। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त हुई। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम खनिज और उनकी उपलब्धता के बारे में जानेंगे, खनिजों का वर्गीकरण भी जानेंगे, तात्विक खनिजों में लौह और अलौह धातुओं के बारे में चर्चा करते हुए अधात्विक खनिजों को जानेंगे और उसके बाद खनिजों के संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, एक बार हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आता है। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है। ये चीज़ें सड़कों पर चलती है। उसके बाद वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते हुए देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता? उसके पिता ने उसको बताया, बेटा, यह घर नहीं है, ये बसें और गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों और पत्थरों से नहीं बने हैं। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ये अपने आप नहीं चलती, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इन इंजनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपने पढ़ा है कि भूपरपटी अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन का अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ को हम
इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज, सभी खनिजों से बने हुए होते हैं। इसके अलावा रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं और ये सारे धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के भोजन में भी खनिज की उपलब्धता होती है। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन और विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। हमारा स्थलमंडल चट्टानों से बना है तथा चट्टान खनिजों के संयोग से बने हैं। अभी तक लगभग 2000 खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से केवल कुछ खनिज ही विशिष्ट महत्व रखते हैं। दोस्तों, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। दोस्तों, आग्नेय तथा कायंत्री चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों तथा विद्रों में मिलते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब वे तरल या गैसीय अवस्था में भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी प्रकार की शिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या फिर परतों में पाए जाते हैं। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। इन्हें प्लेशन निक्षेप के नाम से जाना जाता है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्र से ही निकाले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं खनिजों के प्रकार की। खनिजों को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला है धात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होता है, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकिल और मैग्नीज। दोस्तों, धात्विक खनिज के भी दो प्रकार हैं। पहला है लौहयुक्त खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है वे लौहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज। इसके अलावा अलौहयुक्त खनिज, अर्थात जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता वे अलौहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा। इसके अलावा खनिजों का दूसरा रूप है अधात्विक खनिज। दोस्तों, इन खनिजों में धातु नहीं होता, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। अधात्विक खनिजों को भी दो भागों में बांटा जाता है। कार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म होते हैं। ये धरती में दबे प्राणी और पादप जीवों के परिवर्तन से बनते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। दूसरा है अकार्बनिक खनिज। इनमें जीवाश्म नहीं होते, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट। आइए दोस्तों, बात करते हैं लौह खनिज की। लौह खनिज में सबसे पहले बात करेंगे लौह अयस्क। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। लोहा हमें खानों से शुद्ध रूप में नहीं मिलता, बल्कि लौह अयस्क के रूप में मिलता है। लौह अयस्क के तीन प्रकार हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। दोस्तों, भारत में लौह अयस्क की विभिन्न पेटियां हैं। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर के खादानों से निकाला जाता है। इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम से भी हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। इन क्षेत्रों के अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला की पहाड़ियों में उत्तम किस्म का
हेमेटाइट पाया जाता है। यहाँ का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। आइए अब बात करते हैं मैग्नीज अयस्क की। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। एक टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आइए अब बात करते हैं अलौह खनिज की, जिसमें प्रमुख है तांबा। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। घातवर्ध्य, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। इसके अलावा राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थीं। अब बात करते हैं बॉक्साइट की। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत के कुल उत्पादन का 45% बॉक्साइट यहाँ से उत्पादित किया जाता है। कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़ तथा संबलपुर यहाँ के मुख्य उत्पादक हैं। इसका उपयोग अर्थात बॉक्साइट का उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण तथा रासायनिक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अधात्विक खनिजों की। अधात्विक खनिजों में सबसे पहले बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। विश्व में भारत अभ्रक उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक की 3 पेटियां हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आती हैं। भारत में अभ्रक के कुल भंडार 59,065 टन हैं। बिहार तथा झारखंड में उत्तम किस्म का रूबी अभ्रक पाया जाता है। बिहार तथा झारखंड देश का 80% अभ्रक उत्पादन करते हैं। आइए बात करते हैं चूना पत्थर की। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों, भारत के चूना पत्थर का 76% प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं खनिजों के संरक्षण की। दोस्तों, पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी, चाहे वो वनस्पति जात हो या फिर प्राणी जात हो, हर किसी को खनिजों पर किसी ना किसी प्रकार निर्भर रहना पड़ता है। इन खनिज संसाधनों के निर्माण और संग्रहण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएँ इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। अर्थात जिस प्रकार से हम खनिजों का उपभोग कर रहे हैं, उस गति से इनका निर्माण नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, हमें खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। खनिजों के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति नहीं दी जा सकती, जिस कारण देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात खनिजों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय हमें ढूंढने चाहिए। खनिजों के निरंतर दोहन पर रोक लगानी चाहिए, उनका बचत पूर्वक उपयोग करना चाहिए तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करनी चाहिए।
हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए एक बार पुनः देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, आज हमने कक्षा 9 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया। विज्ञान में आज हमने पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ भाग 2 और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। कक्षा 9 में ही सामाजिक विज्ञान में आज हमने पढ़ा लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों भाग 2। इसका अध्ययन करके हमने इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। आज हमने कक्षा 10 में गणित और सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ा। गणित में आज हमने पढ़ा बहुपद भाग 3, जिसमें हमने जाना कि त्रिघात बहुपद के शून्यांक व गुणांकों की तुलना कैसे की जाती है। और इसके बाद हमने कक्षा 10 में गणित में पढ़ा बहुपद भाग 4, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है ये जाना। इसी के साथ कक्षा 10 में आज हमने सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया, जिसमें खनिज और ऊर्जा संसाधन पाठ की शुरुआत की और भाग 1 पढ़ा, इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल किया। इनसे बनने वाले प्रश्नों को हल करके हमने उनके उत्तरों को भी जाना। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। बच्चों, कल हम कक्षा 9 में विज्ञान और गणित का अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ विज्ञान में कल हम पढ़ेंगे और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि प्रश्नोत्तर भी करेंगे। और कक्षा 9 की गणित में कल हम पढ़ेंगे बहुपद भाग 6, और इस बहुपद में आप पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा शेषफल ज्ञात करना। कक्षा 10 में कल आप पढ़ेंगे बहुपद भाग 5। 5 भाग में आप पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, और उसके बाद बहुपद भाग 5 से संबंधित प्रश्नोत्तर भी हल करेंगे और बहुपद 5 की प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। उसमें हम बहुपदों के सभी शून्यांक ज्ञात करेंगे। कक्षा 10 में कल हम विज्ञान में पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण भाग 1, नए पाठ की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और अम्ल क्षार एवं लवण भाग 2 का अध्ययन करके इससे संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो बच्चों, ये तो हुई कल की बात। एक जरूरी सूचना सुनिए कि ये जो आप प्रसारण देख रहे हैं, जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसको यदि आप पुनः देखना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपको YouTube पर मिल जाएगा। YouTube पर जाकर शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके आप पुनः इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com। धन्यवाद।